where the government of Arunachal Pradesh is heading towards darkness. ये अंधेरे की ओर जा रहे हैं क्या? हम शिक्षा लेते हैं अंधेरे को भगाने के लिए, लेकिन हमारे ये बीजेपी सरकार बीजेपी का गवर्नमेंट हमारे भविष्य को, हमारे यूथ के भविष्य को, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को अंधेरे की ओर ढकेल रहा है। ये सब आप जानते हैं, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा है, छोटा सा है मैं फिगर, बड़ा कुछ नहीं है मेरा, बस मेरा दिल शेर की तरह है, बस उतना ही। तो मैं आदमी में नहीं कहूंगा, यहाँ पे लोग अरुणाचल के सभी जनजाति लोग आए हैं, इसलिए मैं हिंदी से आप लोगों से सिर्फ मैं वार्तालाप करूंगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी में ज्यादा सभी को सुविधा होता है लोगों से विचार विमर्श वार्तालाप करने में, लोगों से इंटरेक्शन करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ के ऑल वे फ्रॉम ईटानगर जो यहाँ पे आया है, अपने समय को निछावर करके कीमती वक्त को निकाल के यहाँ पे ऑल वे फ्रॉम ईटानगर, तापोल जी गिव मी बिग हैंड। और अरुणाचल के भविष्य कहाँ पे, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज हेडिंग टुवर्ड्स डार्कनेस, क्या अंधेरे की ओर जा रहे हैं क्या? हम शिक्षा लेते हैं अंधेरे को भगाने के लिए, लेकिन हमारे ये बीजेपी सरकार बीजेपी का गवर्नमेंट हमारे भविष्य को, हमारे यूथ के भविष्य को, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को अंधेरे की ओर ढकेल रहा है। ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आज के दिन में पढ़े लिखे लोग इतना ज्यादा हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिटरेसी रेट भी काफी है, बढ़ती जा रहे सभी जनजाति आज के दिन में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे, किसी को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? क्या चाइना से आएंगे या पाकिस्तान से आएंगे? दिस इज अ प्रॉब्लम यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आवरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक फॉरवर्ड, आगे आना पड़ेगा। उठते हैं, ये इतिहास गवाह है। आप चाहे बड़े से बड़े हिस्ट्री में देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, द इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन ऑफ इंडियन 1857, जब जब अत्याचार होते हैं खुद ब खुद जनता आवाज उठाने लगते हैं। आज सबसे दूसरी बात मैं भूल गया, आप अपने लिए सबसे पहले ताली बजाइए, सब अपने लिए ताली बजाइए, यू आर दी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। आज के इस जनसलाब में आपने साथ दिया है, अपने खुद के लिए आए हैं, मैं भी इतना दूर से खुद के लिए आया, किसी के लिए नहीं आया, क्योंकि अगर हम अपने अंदरूनी दिल से चेंज करेंगे, अगर आप व्यक्तिगत ग्रुप से इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू चेंज विद इन फ्रॉम योर सेल्फ, then only change can become within our society. Changes लोगों को फटक से नहीं आते, इंडिविजुअल होना पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर हमें चेंज होना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो चेंज नहीं कर रहा है, मेरा पति देव चेंज नहीं हो रहा है, मेरा पत्नी चेंज नहीं हो रहा है, मैं क्यों बदलूंगा। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, प्रत्यारोप आरोप लगाने से क्या फायदा है? सबसे पहले आप अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और सबसे आप खट्टी है बिटर स्ट्रक आपको झेलनी पड़ेगी, सच्चाई की बातें आपको सुननी पड़ेगी। आज आज का यह दिन सच्चाई के दिन है। सच्चाई यह है कि यह पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन अवश्य जब जब मौका मिलेगा मैं बोलता हूँ, क्योंकि यह हमारे पब्लिक का भी बहुत ही गलती हो रहा है। बहुत सारे प्रेसिडेंट हुआ है हमारे, क्या हुआ इलेक्शंस में हमारे, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 70-80 लोग अपने वोट को भेजते हैं। यही तो कारण हमें अच्छा लीडर्स नहीं मिलता है, यही तो कारण हमें अच्छा एनालिस्ट नहीं मिलता है। आप अपनी कीमती वोट को क्यों भेजते हैं? Who have given you the authority to sell your vote for money? The Indian Constitution has never given you the power to sell your vote. हमारा संविधान, इस देश के संविधान ने आपको कतई कभी भी आपको इजाजत नहीं दिया अपने वोट को बेचने के लिए।
इसलिए तो ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। आप खुद को गाली दीजिए ना, किसको दे रहे। सबसे पहले तो खुद सुधारना पड़ेगा। 24 आने वाले इलेक्शन में आप खुद से प्रतिज्ञा कीजिए। यू टेक ए डिसीजन, यू मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ दैट यू विल नॉट सेल योर वोट फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट्स फॉर श्योर। क्या आप मेरे बातों से कंधे से कंधे मिलाते हैं मेरे बातों को? और आइंदा नहीं बेचना अपने वोट को, अच्छा प्रतिनिधि को वोट देना, अच्छा कैंडिडेट को वोट देना, तभी आपके जाके आपके बच्चों की भविष्य उज्जवल है। ये तो हमारा आने वाला भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है, ये आप सबको समझना पड़ेगा और सब जानता है। लेकिन क्या करे, परंतु किंतु पैसा के लिए सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरन अपना वोट भेजते हैं। कितना के लिए? 10,000, 20,000, 2,000? क्या करेंगे 20-2,000 से आज के दिन में? अपने आप को भेजना है, वो सबसे शर्म की बात है। ये गांधी, ये देश, हमने अपने वीर को जितने स्वतंत्रता के आंदोलन में हमने बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को खोया है, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे अनेक वीरों ने अपनी जान दी है, जान की आहुति दी है हमारे देश को आजादी कराने के लिए अंग्रेजों के शासन से। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब भी भ्रष्टाचार मौजूद है, अब भी हम भ्रष्टाचार के गुलाम बने हुए हैं। ये आप सब नहीं नहीं बोल सकते हैं। आप क्या भ्रष्टाचार के गुलाम में डूबे हुए ना बने हुए हैं? आया नहीं, बोले आप, बोले आप सब भ्रष्टाचार के गुलाम बने हुए क्या अभी भी? लोकतंत्र में यही तो है। अजब हिंदी में कहा है, पाप करना ओ, हिंदी में कहावत है, आप पाप अगर करेंगे तो वो आप गलती काम करेंगे, वो आप पाप करप एक्टिविटीज को ऐसे ही आप देखते रहेंगे, कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप भी उसमें शामिल है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप शामिल है। यू आर इनकरेजिंग द इलीगल एक्टिविटीज, यू हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस। मैं हमेशा सर्विस छोड़ने के बाद मैंने अपना एक्टिविस्ट बना, आज तक मैं आवाज बुलंद करते आया हूँ। न जाने कितने हमें जान की थ्रेटनिंग आते हैं, मेरे जान को खतरा है, लेकिन मैं डरता नहीं। अच्छे काम के लिए मरने से उससे पुण्य काम क्या हो सकता है इस दुनिया में? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा होश में बोले से टाइम भी चले जाएंगे बहुत सारे स्पीकर से, मैं लिमिट रखूंगा अपना। लेकिन आज का मेन मुद्दा है, निप्पो नाबम को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, नंबर वन में है निप्पो नाबम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सोल दोलूम भी बताए थे, मेरा भाई सोल दोलूम, हम लोगों ने रोइंग में भी आए थे, रोइंग को हिला दिए थे मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो जैसे उसने कहा, काला चश्मा लगाते हैं दूसरी की दूसरी आंखों में, और दूसरी आंखों में यहाँ पे रेड क्या बोलते हैं आजकल का जो नाइट विजन भी लगा के देखते हैं, अकेत चरण के जब समस्या आते को लेकर जब आते हैं तो वो नाइट विजन लगा के घूम लेते हैं, लेकिन जब निप्पो नाबम के बाद आते हैं तो सारा काला हट जाते हैं उसकी आंखें। तो अवर मेन मोटो, अवर मेन डिमांड इज द अरेस्ट ऑफ निप्पो नाबम, फॉर्मर चेयरमैन एपीपीएससी। वी हैव टू मेक इट द गवर्नमेंट टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली, क्योंकि 13 पॉइंट्स में से यह एक पहला मुद्दा है। सबसे पहले आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दी मूवमेंट, बट आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड। मैंने काफी जब मास रैली हुए थे ईटानगर में, तब भी मैं पार्टिसिपेट किया। मैं हमेशा अपने दिल से, जान से,
मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आया हूँ और लड़ते रहूंगा, क्योंकि हमें मेरा सपना है कि we all should, हम सब मिलके एक नया अरुणाचल बनाएंगे, ठीक है? We shall make a new Arunachal. With that, I would like to conclude today's speech, a small speech. Thank you all. God bless you all.